अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं K92 न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान नायला भट्टी। शामिल करेंगे आज की इलाकाई खबरें। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम होने से अवाम के लिए वबाल जान बन गया। काटी और शाह फैसल टाउन, गोहर, खडक अपनी जिम्मेदारियों से दूर हैं। मजीद जानते हैं शहजाद चौधरी की इस रिपोर्ट में। कब से पानी भरा हुआ है यहाँ पर? इसको तो महीने से ऊपर हो गया ये पानी ऐसे निकल रहे हैं यहाँ। अच्छा, और परेशानी है सामने, तैयार करने वाले पाँव में कीचड़ आ जाता है। अच्छा, आप यहाँ पे जॉब करते हैं? जी। अच्छा, ये अभी तक इसको साफ नहीं किया गया? नहीं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहजाद चौधरी इस टाइम पे मौजूद हूँ कराची के इलाके कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में। शाह फैसल टाउन कहलाता है ये, मेन जो है इंडस्ट्रियल एरिया का रोड है, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके। और इस रोड की मैं आपको हालत दिखाऊं, ये देखें, ये सारा जो है रोड नाला बंद हुआ है और सारा रोड एंड तक जो है पानी से भरा हुआ है। गंदे पानी से बदबू इतनी आ रही है, यहाँ खड़े होने की जगह नहीं है। और ये आस पास इर्द गिर्द जितनी भी कंपनी है, ये सारी जो है कोई बंगाल टाइगर बनी हुई है यहाँ पे, कोई गारमेंट्स की बनी हुई है, कोई किस हवाले से बनी हुई है। पर ये शाह फैसल टाउन जो टाउन चेयरमैन है उनका काम बनता है इस इलाके को साफ करवाना, ये गंदगी को साफ करवाना। पर आप ये देख सकते हैं, जब यहाँ पे छुट्टी होती है, जब सुबह लोग आते हैं उनके कपड़े भी खराब होते हैं, आवाम इतनी तंग होती है, यहाँ पर ट्रैफिक भी जाम होता है। अब देखना ये है ये कब सही होगा, कब इसको सही किया जाएगा। ये अभी से नहीं, तकरीबन पिछले एक हफ्ते से पानी यहाँ पर रुका हुआ है और ये बंद हुआ हुआ है नाला पूरा, ये जाम हुआ हुआ है। अगर मैं कैमरा में दिखाया तो जहाँ तक कैमरे की नजर जाती है वहाँ तक पूरा जो है कीचड़ से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। और उसके अलावा ये आज संडे का दिन है, आज छुट्टी है, कल जब यहाँ पर कंपनी ऑन होगी वो वाला रोड भी पूरा वहाँ तक भर जाएगा और वहाँ से आना जाना जो आने जाने वाले राहगीर हैं उनके लिए वबाले जान बन जाता है। जी,